तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ब्रिस्टल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं जिसमें आपको बताया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे प्रॉपर्टी को बता रखे हैं। और दोस्तों, उन 3 वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे दे रखे हैं, आप पहले प्रॉपर्टी को देख लीजिए दोस्तों, तब इस क्वेश्चन पर आई एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, मान निकालनी है। क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ √3/2। बताइए इस क्वेश्चन का इलाज कैसे करेंगे? बढ़िया से करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे ना दोस्तों कि बेचारा आपसे डरना शुरू कर देगा। आइए, और आप इससे डरना शुरू कर दीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने तो प्रॉपर्टी बता रखे हैं, प्रूफ भी किए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन आज एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी पर ये आज की सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक झलक देख लेते हैं। आइए देखिए, प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर, जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ए एक्स होता है। लेकिन एक्स कब देता है? जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी एक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच हो, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल हो, ठीक है? तब ये दोस्तों, ये जो एक्स है यहां पर एक्स देगा। आइए आगे देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर, दोस्तों एक्स होता है और एक्स बिलोंग्स टू, इसके लिए क्या कंडीशन होता है? यानी 0 to π। चलिए, इसके लिए कंडीशन होता है। अब देखिए, दो अगर आपको कंडीशन याद हो गया तो इसके आगे वाला कंडीशन को याद करने के लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। अगर दोस्तों यहां पर लिख दे टैन इनवर्स, टैन एक्स बराबर एक्स होता है, और एक्स कब देगा? जब एक्स बिलोंग्स टू, देखिए क्लोज इंटरवल में लिखा है, यहां पर इसी को ओपन इंटरवल में लिख दीजिए, यानी एक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं रहता है। अब देखिए, ये तो याद हो गया, यानी कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर भी एक्स देता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर एक कंडीशन आपको याद है तो समझिए कि ये भी कंडीशन याद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपको क्लोज इंटरवल में लिखा है इसको ओपन में लिख दीजिए, यानी एक्स बिलोंग्स टू यानी 0 to π। आइए, अब दो बच गया, उसको भी निकालते हैं। यानी देखिए, सेक इनवर्स सेक एक्स, sec inverse of sec x बराबर x होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है? x belongs to, इसी को उतार दीजिए, यानी कंडीशन को 0 to π, और इसमें से π/2 को डिलीट मार दीजिए। अब क्यों डिलीट मारा जाता है दोस्तों, मैंने थ्योरी में आपको बता रखे हैं, ठीक है? अब देखिए, एक और बच गया, कॉसिक इनवर्स कॉसिक एक्स बराबर एक्स देता है, और दोस्तों कंडीशन है कि एक्स का एक्स बिलोंग्स टू होनी चाहिए, इसको उतार दीजिए, -π/2 से π/2, और इसमें 0 को डिलीट मार दीजिए, काम हो जाएगा। तो दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को ऐसे ही धुआं धुआं जैसा उड़ा देंगे। तैयार है ना धुआं धुआं जैसा उड़ाने के लिए? एकदम मस्त। देखिए आइए, तो दोस्तों अगर ए दो याद हो गया तो समझिए कि और सारे चीज को याद करने के लिए, और सारे मतलब ये चीजों को याद करने के लिए मैंने उपाय बता दिया। थोड़ा एक बार देख ले कि जो प्रॉपर्टी बताए वीडियो में से कटा तो नहीं है, साइड से कटा तो नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सही सलामत है, क्या बात है सर। आइए अब क्वेश्चन को बताते हैं एकदम देसी स्टाइल में। हाँ, मजा आ जाएगा सर, दिल लग जाएगा पढ़ने से, ठीक है? आपका दिल कहीं दूसरे से लग नहीं सकता है, अगर वीडियो देखते हैं तो दूसरे से लगाइए, मतलब पॉजिटिव जगह पर लगाइए, नेगेटिव जगह पर नहीं।
आपको आंसर नेगेटिव जगह पर ज्यादा लगता है तो ये आपकी परेशानी है सर। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। इसको बनाने का बहुत तरीका है सर। आप नीचे क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू इक्वल टू थीटा मानते हैं, उसके बाद आप बनाते। और दोस्तों एकदम हम शॉर्टली विधि द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर देखिए ना, देखिए साइन इनवर्स, अच्छा बताइए साइन कितना डिग्री का मान, रूट थ्री बट्टा दो होता है तब कहेंगे साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री, तो डिग्री को आप रेडियन में लिखिएगा तो पाई बाई थ्री। अब देखिए प्रॉपर्टी पर झांकिए और आंसर लगाइए, आंसर मंगाइए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, मतलब ये एक्स के जगह पर बैठा है लेकिन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये क्या, ये जो पाई बाई थ्री है इसके बीच है, बिल्कुल है। तो दोस्तों यहां पर ये जो एक्स है, एक्स यहां पर आ जाएगा पाई बाई थ्री और यही रहा हम लोग का आंसर, बन गया। देखिए इसकी कहानी खत्म, ठीक है इसकी कहानी खत्म। इतना ही देर तक के लिए बोर्ड पर अभी ये था बेचारा, खत्म हो गया, इसको हटाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, उधर क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है ऐसा नहीं कि मुझे पूरे क्वेश्चन में याद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टैन इनवर्स माइनस एक बट्टा रूट थ्री। अरे आपका ध्यान किधर है, कॉन्सेप्ट इधर है। तो देखिए समझ लीजिए कि टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, जानते हैं क्या होता है, हाई माइनस जो डब्बा के अंदर है, कहेगा कि डब्बा के बाहर करिए नहीं तो सांस फूल रहा है, माइनस कर दीजिए बाहर। अब यहां पर हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। अब यही चीज को यहां पर लगाइए तो बनाने में मजा आएगा। देखिए टैन इनवर्स माइनस एक्स, तो इस माइनस को बाहर खींचिए, अब यहां पर क्या होगा, टैन इनवर्स एक बटा रूट थ्री। देखिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बेचारा खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, माइनस है तो माइनस टैन इनवर्स, भाई बताओ टैन कितना डिग्री का मान, टैन कितना डिग्री का मान, एक बटा रूट थ्री होता है तो टैन 30 डिग्री का मान होता है, तो टैन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाई सिक्स करते हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए माइनस टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर यह है यानी माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा और यही रहा राइट आंसर, बन गया। छोटी छोटी क्वेश्चन है, बनाना सीखिए मजा आएगा। आइए इसको यहां से हटाते हैं, चलिए लाते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीन नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा तकलीफ देता है, बड़ा तकलीफ देता है, और आपको प्रॉपर्टी याद है ना तो आप इसको तकलीफ देना शुरू कर देंगे। आराम से देखिए भैया, समझ जाइए कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, अगर यहां से माइनस हटा तो ये बड़ा टे है, कहेगा कि हम हटेंगे तो ढेर कांड कर हटेंगे, मतलब यहां पर पाई से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो आइए ना यही फिट करिए ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा हिट और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एक्स, तो दोस्तों एक्स की जगह पर क्या है रूट थ्री। अब इसको यहां से हटाइए, देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री का मान, रूट थ्री होता है दोस्तों, कॉट 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉट 30 के लिए क्या लिखेंगे, पाई बटा सिक्स। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये पाई माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। दोस्तों पाई में से पाई बाई सिक्स को घटाएंगे, फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा और दोस्तों यही रहा राइट आंसर, बन गया। छोटी छोटी क्वेश्चन से डरिए मत, बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों चार नंबर क्वेश्चन, कॉट इन कॉट इनवर्स कॉट यहां पर यानी पांच पाई अब बट्टा चार। देखिए कुछ ऐसा बच्चे होंगे तुरंत इसका आंसर लिखे, कहेंगे ये तो अभी हल्का दे दिया, नहीं कहेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है, और लड़का कहेंगे तो बड़का हल्का दे दिया, हल्का नहीं दिया है आपको, पेरा है यहां पर, पेरा की मिठाई जैसा। देखिएगा
जो x होता है यानी ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच होनी चाहिए तब a जाकर x x होता है, लेकिन a 0 और पाई से तो बड़ा है, तो हमें लाना होगा इस के रेंज में। तो रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दिमाग में रख लीजिए पाई आप प्लस पाई में जोड़ेंगे, अल्फा पाई में हम जोड़ते हैं, अल्फा रखते हैं कि कितना यहां पर अल्फा रखे कि इसको हल करने के बाद इतना आ जाए, या पाई से घटाते हैं अगर और बड़ा रहे तो 2 पाई से जोड़े, 2 पाई प्लस अल्फा करेंगे या 2 माइनस 2 पाई माइनस अल्फा करेंगे। दोस्तों ऐसे हम कर बनाते हैं। अब देखिए पाई 2 पाई पर क्यों हम काम करते हैं, पाई 2 पाई के ही साथ क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि पाई और 2 पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो दोस्तों यहां पर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखेंगे ऐसे कर सकते हैं क्या दोस्तों, कॉट इनवर्स, कॉट यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं काजी, पाई प्लस पाई बटा फोर ऐसे लिख सकते हैं। अरे पाई प्लस पाई बाई फोर इसको ऐड करिए तो ये 5 पाई 5 पाई बटा फोर मिलेगा। अब सुनिए एक फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद करिए कि कॉट पाई प्लस थीटा क्या देता है, तो कहेंगे ए सर जब थीटा के मान 180 डिग्री से अधिक यानी पाई से अधिक और 270 डिग्री से कम हो तो टाइम थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो पाई पर चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉट ए थीटा है तो थीटा होगा। तो दोस्तों ए पाई ए ही ना थीटा है। तो आइए अब यहां से देखते हैं, यहां पर कॉट इनवर्स ए कॉट थीटा, थीटा के जगह पर पाई बाई फोर। अब देखिए ये जो एक्स है दोस्तों, ये जो एक्स है इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये पाई बाई फोर है, जीरो और पाई के बीच में आता है, तो दोस्तों ये जो एक्स के जगह पर है यही आंसर बन जाएगा, यानी पाई बाई फोर, और दोस्तों यही राइट आंसर बन गया, बन गया। यहां पर पाई बाई फोर आप आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके वो बाहर का है, ठीक है, तो फिर इसके भीतर का चाहिए, क्लियर। यहां से इसको हटाते हैं और इसके बाद देखिए ऐसा ही क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। 5 नंबर दिया है, टैन इनवर्स टैन 3 पाई बाई 4 लीजिए लीजिए। अरे यहां पर देखिएगा कि टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स देता है, एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होनी चाहिए, यानी जो x होनी चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होनी चाहिए, और यहां पर देखिए x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर का है, तो फिर हमें लाना पड़ेगा, तो हमें पाई से जोड़ेंगे या पाई से घटाएंगे। तो देखिएगा tan इनवर्स इसको ऐसे कर सकते हैं काजी, tan पाई और माइनस पाई और बटा 4 कर सकते हैं का, अगर जोड़ेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, 5 पाई बट्टा 4 होगा और घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4 होगा। अब यहां पर देखिएगा एक और फॉर्मूला फर्स्ट ईयर का कि टेन पाई माइनस थीटा आर इक्वल टू, देखिएगा 180 डिग्री से कम है तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है बाकी निगेटिव होगा, तो ये माइनस टेन थीटा होगा। सुनिए तो टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा, तो दोस्तों माइनस टेन थीटा, तो दोस्तों ए ना थीटा है यानी पाई बाई क्या होगा 4। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, माइनस बाहर निकल जाता है, डब्बा के बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां पर tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और दोस्तों यहां से आप देखिए कि ये माइनस है, दोस्तों टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स होता है, यानी क्या होगा पाई बाई 4, और यही रहा राइट आंसर बन गया। देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको यहां से हटाते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन को लाते हैं। देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन नया लुक लाइक का है, देखिए आपको पसंद आएगा कि नहीं, आपको जरूर पसंद आएगा, आपको इतना पसंद आएगा ना सर कि आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे, चूंकि नया क्वेश्चन। देखिए आर्क साइन
एक बटा दो आ प्लस और कॉस एक बटा दो कैसे बनाएंगे सर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दोस्तों दो तरीके से बना सकते हैं, पहले देखिए ए हटेगा तो इस पर इनवर्स कर देता है साइन इनवर्स एक बटा दो प्लस इसी प्रकार से यहां से अर्क हटेगा तो एक कॉस इनवर्स एक बट्टा दो हो जाएगा। कहेंगे सर बहुत आसान हो गया, देखिएगा साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान होता है तो साइन पाई बाई सिक्स करना होगा, आ यहां पर कॉस इनवर्स एक कॉस 60 डिग्री का मान होता है तो कॉस पाई बाई थ्री करना होगा। चलिए यहां से कैंसिल पाई बाई सिक्स आ प्लस यहां से कैंसिल पाई बाई थ्री लघुत्तम देख लीजिए सिक्स होगा, ऐसे कैंसिल पाई आ प्लस थ्री में सिक्स से भाग देंगे टू होगा, टू में पाई से गुना करेंगे टू पाई, अब बराबर क्या होगा थ्री पाई बाई सिक्स, थ्री कम थ्री थ्री से काटेंगे छ तो दो बार में जाएगा यानी यहां पर पाई बाई टू होगा। दोस्तों यही रहा राइट आंसर। और एक और तरीका होता है दोस्तों, एक और आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि साइन इनवर्स एक्स आ प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, एक ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक कब यहां पर जब दोनों एक्स सेम रहेगा तब, यहां पर देखिए एक्स यहां पर एक्स है तो दोस्तों यहां पर देखिए तो दोनों सेम है नहीं, यहां पर देखिए इस चीज को देखिए दोनों एक बाई टू यहां पर भी एक्स से जगह पर, एक्स से जगह पर एक बाई टू यहां पर भी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई टू। और यहां पर ऐसे भी आप बना लिए, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए चीज को हटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसा है, कैसा है सर देखिएगा, सात नंबर क्वेश्चन दिया है टैन इनवर्स टैन सात पाई आ बटा छ लीजिए। अब कितना सोचेगा कि सात बटा सात पाई बटा छ होगा, कैसे होगा इसके रेंज के बाहर का है तो कैसे होगा लाना होगा, तो पाई प्लस करें या पाई माइनस करें, उससे भी बड़ा हो तो टू पाई प्लस माइनस अल्फा करेंगे उसमें चेक करेंगे। तो यहां पर देखिएगा टैन अल्फा ऐसे कर सकते हैं टैन पाई प्लस पाई बटा छ कर लेंगे, आप जोड़िए दोस्तों फिर इतना मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा टैन इनवर्स टैन पाई प्लस थीटा टैन थीटा तो दोस्तों कितना हुआ टैन पाई बाई सिक्स, अब दोस्तों रेंज में आ गया तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये क्या होगा पाई बाई सिक्स और यही रहा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है एकदम भयानक, कॉस इनवर्स कॉस तेरह पाई आ बटा छ दोस्तों एकदम ये भी आई क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे दोस्तों बताइए। आप कहेंगे कि आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बनाएंगे। भाई काम करते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऐसे कर लेंगे टू पाई कर लेंगे क्योंकि बहुत बार आपको दिखाई दे रहा है एंगल टू पाई आप प्लस पाई बाई सिक्स कर सकते हैं का, कहेंगे सर कर लीजिए ना चलेगा बिल्कुल चलेगा, इसको ऐड करिए इतना ही देगा। अब एक बात देखो यहां पर सर कि कॉस टू पाई आ प्लस ए थीटा इसकी जगह पर थीटा करें तो दोस्तों यानी 360 से कुछ बड़ा है एंगल तो दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में जाएगा और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान पॉजिटिव होता है तो एक कॉस थीटा होगा। अब आप आंसर बता सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो कॉस थीटा के जगह पर पाई अब बटा छ, अब बताइए यहां से कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स यानी पाई बटा छ और यही रहा राइट आंसर बन गया, बन गया। तो चलिए दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक में, उसके बाद एक का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए दिया है साइन इनवर्स साइन तीन पाई अबटा पांच दोस्तों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एकदम मस्ट क्वेश्चन है। आइए इस पर टक्का डालते हैं, टक्का लगाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स आ यहां पर देखिएगा साइन आप पाई माइनस टू पाई बटा पांच कर लेते हैं
दो पाई बट्टा पांच कर लेते हैं, करिए ना, पांच पाई में से दो पाई जाएगा, थ्री पाई बट्टा पांच हो जाएगा। अब देखिए कि साइन आप पाई माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स है और साइन थीटा मतलब दो पाई आप बटा पांच। अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये एक्स के जगह पर है तो टू पाई बटा पांच। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आप देख लीजिए दोस्तों, ये माइनस नब्बे डिग्री से, डिग्री में देखें तो अगर माइनस नब्बे डिग्री से प्लस नब्बे डिग्री तक है और दो पाई का मान 180 डिग्री बट्टा पांच काटेगा 36, 36 गुना के बाद आ ही जा रहा है। तो यही रहा राइट आंसर। एक में का सारा क्वेश्चन का इलाज कर दिए, बेचारा आपसे डरने लगा होगा। आइए दो नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बताना एकदम तो मजे से समझेंगे। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं और देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन से। लीजिए दो नंबर क्वेश्चन भी आपसे मिलने का बड़ा उसका मन कर रहा था, ऐसी का इंतजार था, कब से तेरा था इंतजार। देखिए आ गया सामने, अरे उसी में का है टैन इनवर्स, टैन कितना डिग्री का मान उठ गई, कहेंगे सर टैन 60 डिग्री का, जिसको रेडियन में लिखे तो टैन पाई बाई थ्री लिखना होगा दोस्तों, कैंसिल ये पाई बाई थ्री हो जाएगा, बन गया। कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है, हटाइए इसका दो देखते हैं, दो देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक बटा दो कैसे बनाएंगे दोस्तों, कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है भाई, आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन इनवर्स देखिए एक्स है लेकिन माइनस यहां पर एक्स है, इस माइनस को हटाने डब्बा के बाहर तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सॉरी माइनस क्यों निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो यहां पर सिर्फ इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक बटा दो हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान, एक बटा दो, रट गए होंगे दसवीं क्लास में, साइन 30 डिग्री का मान। अब इसको रेडियन में करिए तो क्या करेंगे, साइन पाई बाई सिक्स कर लेंगे, यही ना जी, माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, मतलब एक्स की जगह पर पाई बाई सिक्स है तो पाई बाई सिक्स, और यही रहा राइट आंसर बन गया। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर। देखिएगा टाइम इनवर्स माइनस एक, माइनस बाहर हो जाता है चूंकि टाइम इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। अब यहां पर होगा टाइम इनवर्स एक, तो माइनस टाइम इनवर्स, ये देखिए टेन कितना का मान, टेन पाई बाई फोर का मान, तो दोस्तों माइनस एक कैंसिल, एक क्या होगा पाई बाई फोर, और दोस्तों यही रहा राइट आंसर बन गया। कितना हौला है सर, हौला है, कितना हौला है। चलिए इसका चार नंबर देखते हैं, कॉसिक इनवर्स दो कैसे बनाएंगे दोस्तों। कॉसिक इनवर्स, कॉसिक कितना का मान दो होता है, कॉसिक तीस का, कॉसिक तीस का, तो इसके लिए पाई बाई सिक्स लिखेंगे भाई, ये तो खत्म हो गया, पाई बाई सिक्स हो गया, बन गया, अरे बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं, एक खतरनाक दिया है दोस्तों, खतरे में क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, खतरा वाला क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, और खतरा वाला क्वेश्चन आ गया, आ गया, इसमें माइनस बाहर करेंगे दोस्तों विधवा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। यहां पर देखिएगा कॉस माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो आइए पाई को बाहर निकालेंगे, माइनस कॉस इनवर्स पाई ऐसे अंदर है नहीं, फॉर्मूले के अंदर करते हैं, फॉर्मूले के जैसे करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अब मतलब माइनस ना पता हो जाएगा, मतलब वन बाई टू, वन बाई टू, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान, तो दोस्तों कॉस कितना का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, यानी कॉस पाई बाई थ्री दोस्तों, यहां पर पाई ए तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई थ्री, पाई में से पाई बाई थ्री को घटाएंगे, टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, और दोस्तों यही रहा राइट आंसर बन गया सर, बन गया। एक इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, छ नंबर, दो का छ दिया है, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, कितना आसान दिया है सर, कॉस इनवर्स
कॉस कितना डिग्री का मान रूट थ्री बट्टा दो होता है दोस्तों, कॉस 30 का मतलब पाई बाई 6। अब ये तो दोस्तों कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स कितना है पाई बाई 6, और दोस्तों बन गया यही रहा राइट आंसर। तो इस तरीके से एक नंबर क्वेश्चन और दो नंबर क्वेश्चन को पूरी तरीके से झकझोर कर खत्म कर दिए। चलिए अब इसको यहां से हटाते हैं और लाते हैं तीन नंबर क्वेश्चन को, और तीन नंबर क्वेश्चन जबरदस्त है, आइए हम भी जबरदस्त है बताने के लिए एकदम रेडी है। दिया है कॉस, मान निकालना है, देखिएगा टैन इनवर्स 3/4, भाई देखिए यहीं से बनाने वाला क्वेश्चन आता है। ये देखिए ए क्या होगा पी होगा, ए क्या होगा बी होगा, मतलब एच चाहिए हमें, तो मान निकालना है। अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं यहां पर तो ए आपका पी, ए आपका एच, ए आपका बी, देखिए ए 3 दिया है, ए 4, तो दोस्तों ए साइड कितना होगा 5। और मान ज्ञात करना है तो दोस्तों कॉस यहां पर कॉस इनवर्स में होनी चाहिए, तो कॉस इनवर्स कर लेंगे तो क्या होता है बी बटा एच, तो बी क्या है दोस्तों 4, अब बटा एच, एच कितना है 5, मतलब देखिए ए बेचारा बिधवा हो गया, क्योंकि आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, और यहां पर एक्स के लिए कंडीशन होता है, लेकिन ये तो मान पूछा था माइनस एक से एक के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों याद करिए ऐसा नहीं आपके दिमाग पर कुछ ऐसा आया होगा, देखिए एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे, देखिए दोनों अलग अलग चीज है तभी एक से देगा, लेकिन इसके लिए एक्स बिलोंग्स टू क्या बताया क्लोज इंटरवल 0 to π बताया, ये बताया अगर पहले कॉस इनवर्स रहे तब, अब बाद में कॉस इनवर्स रहे तो ये कंडीशन, इस चीज को समझिए। लेकिन यहां पर कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपसे मान पूछा है ठीक है, तभी देखिए कंडीशन को पालन किया है। तो यहां से इसको हटाते हैं और लगाते हैं अगला क्वेश्चन को नंबर में। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस कॉस इनवर्स रूट 3/2 आ प्लस पाई बटा 6 कैसे बनाएंगे। अरे बड़ा आसान दिया है, बड़ा आसान, यानी कॉस कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान रूट 3/2, कितना का मान कॉस पाई बाई 3 का मान होता है आ प्लस यहां पर पाई बाई 6। अब यहां पर देखिए कॉस ये तो कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 3 आ प्लस यहां पर पाई बाई 6, तो दोस्तों क्या होगा कॉस कॉस क्या होगा यहां पर 2π + π होगा, मतलब कॉस 3π / 6 होगा, काटेंगे 2 हो जाएगा कॉस π / 2, क्या होगा कॉस π / 2, कॉस π / 2 कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है ठीक है, क्या होता है सर 0 होता 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 है। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से सीख गए होंगे, आराम आराम से बताएं दोस्तों कैसे बताएं, एकदम आराम आराम से बनाए ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से बनाए ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर एक मिनट, ये जो रूट 3/2 होता है कॉस 30 का मान होता है, आप 30 के लिए पाई बाई 6 लिखेंगे, यहां पर देखिए गलत हो रहा था, यहां पर गलत हो रहा था सर, यहां पर गलत हो रहा था, आप देख लीजिए यहां पर कॉस ए कैंसिल होगा तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 एंड 2π / 6 होगा, ये 3 होगा, यानी कॉस पाई बाई 3, मतलब कॉस पाई बाई 3 का अर्थ समझते हैं कॉस 60 डिग्री, बताइए तो कॉस 60 का मान कितना होता है, मतलब 1/2 होता है, ये रहा राइट आंसर, यहां पर मिस्टेक हो गया था दोस्तों देख सकते हैं। आइए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का तीन का तीन नंबर क्वेश्चन, 2 arc sin 1/2 आ प्लस 3 arc tan inverse -1 आ प्लस 2 arc cos -1/2, यहां पर इनवर्स नहीं होगा। चलिए एक चीज को देखनी है दोस्तों कैसे बनाएंगे, अरे दोस्तों बहुत आसान है, ये 2 है तो 2, एक और का अर्थ होता है कि यहां पर इनवर्स कर देगा, अगर हटेगा तो sin inverse 1/2 आ प्लस 3, ये क्या हो जाएगा tan inverse -1 हो जाएगा आ प्लस 2,
एक क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक बट्टा दो हो जाएगा। सबको आप अलग अलग हल कर लास्ट में सबको जोड़ लेंगे या इसी में कर देते हैं। तो दो इंटू साइन इनवर्स साइन कितना 30 का पाई बाई 6 कर लेंगे। आ देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। टेन इनवर्स एट टेन पाई बाई 4 का मान होता है आ प्लस यहां पर देखिए दो इंटू कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स मतलब एक बट्टा दो तो कितना का मान होगा कॉस पाई बाई 3 का होगा 60 का होगा। ठीक है 60 का होगा। अब यहां पर आप देखिए ये दो इंटू पाई बटा 6 यहां पर 3 इंटू पाई बटा 4 आप प्लस 2 इंटू यहां पर पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा तो यहां पर एक कटेगा तो 3 यानी पाई बट्टा 3 होगा माइनस 3 पाई बट्टा 4 होगा आप प्लस ये 2 इंटू घटेगा तो 2 पाई बट्टा 3 होगा यही ना होगा सर। अब आगे देखिए लघुत्तम देख लीजिए 3 4 3 का लघुत्तम 12 3 चौका 12 4 ये 4 पाई हो जाएगा माइनस 4 से 4 कैंसिल 3 पाई होगा 3 पाई होगा आप प्लस देखिए 3 दुना का 6 नहीं 3 चौका 12 4 4 हो गया आप पहले से 4 तो 4 में 4 से गुना हुआ 16 पाई हो जाएगा। देखिएगा ये कहीं मिस्टेक हो गया क्या यार 2 साइन साइन 30 का होता है पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है माइनस यहां पर 10 पाई बाई 4 प्लस 2 आ पाई आ माइनस कॉस आई देखिए कॉस यानी आपका कॉस 1 बटा 2 यानी ठीक है तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 हो गया। यहां पर ए पाई बाई 6 हो गया पाई बाई 3 हो गया ए 3 पाई बाई 4 हो गया प्लस ए 2 है तो 2 एक मिनट ये दो कहां से आएगा पूरा सॉल्व कर करना आया है 2 पाई बाई 3 क्या आया है 2 पाई बाई 3 तो यहां पर देखिए नहीं ये 2 है तो 2 तो रहेगा ना 2 दुना के 4 ये 2 गुने यहां पर आएगा 2 पाई बाई 3 तो 2 दुना के 4 पाई बाई 3 4 पाई बटा 3 हो जाएगा। लघुत्तम तो 12 हुआ था 3 चौका 12 4 यानी 4 पाई हो जाएगा माइनस 3 तितरी के 9 पाई हो जाएगा और प्लस 3 चौका 12 4 चौका 16 पाई हो जाएगा ए 20 पाई और माइनस 9 पाई बट्टा 12 घटेगा 11 पाई बट्टा 12। और दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो को स्प्रेड करिए फैलाइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और चलिए दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।